और तूफान के टकराने से पहले ही तबाही दिखाई दे रही है। इसी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, मिगजॉम तूफान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। किसी भी वक्त मिगजॉम तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है और ये बापटला के करीब नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच जगह है। बताया यही जा रहा है कि तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त आंध्र प्रदेश के तट से ये तूफान टकरा सकता है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान टकराएगा और उसके पहले अगर जबरदस्त तबाही मची है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि अलर्ट वहां पर कर दिया गया है और न सिर्फ इन राज्यों को बल्कि आधा हिंदुस्तान इस वक्त अलर्ट पर आ चुका है। अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक, लगातार समय बढ़ते के साथ होती चली जा रही है, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, इस वक्त हम आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में हैं, नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच में है। जो पहले हम खड़े हो पा रहे थे, अब हम बैठ गए हैं यहाँ पर। ये क्योंकि हवा की जो स्पीड है लगातार बहुत तेज है और ये सीमेंट की चेयर है, ये पलट गई है। पहली चीज है, देखिए कितनी तेज हवा है। हम आपको एक और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ से हम लोग लाइव कर रहे थे। उस बिल्डिंग को भी अब ये गिराया जा रहा है, बाकायदा अधिकारी यहाँ पर है, वो गिरा रहे हैं क्योंकि तेज हवा की वजह से इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर हो चुका है। तो कितनी तेज है हवा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और हम ये कह सकते हैं कि अब ये लगभग जो साइक्लोन है, मिचोंग है, वो हिट कर चुका है और आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाका है यहाँ पर इसको जो हवा की स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज है। एक और जो अहम जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है कि इसके थोड़ा सा डाइवर्जन होने की भी खबर आ रही है कवाली इलाके में, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो सिर्फ अभी सिर्फ और आकलन और अंदेशे की स्थिति है। और अब जब ये लगभग यहाँ पर टकरा गया है, दो परिस्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। पहला, जो तस्वीरें आप देखिए कि जो साइक्लोन की कोस्टल लाइन से ट्रैवल करते हुए आगे उड़ीसा तक जाएगा, ये पहली परिस्थिति होगी। दूसरा होगा कि उनको जो अधिकारियों को, जो तमाम प्रशासन को डर है कहीं जो साइक्लोन है जो इस तट से के जरिए अपना रूट बदल कर कहीं अंदरूनी इलाकों में इस तरीके से न घूम जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो बचाव राहत की जो एजेंसियां हैं इनका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और शायद हमें भी अपने लाइव की लोकेशन है। बिल्कुल, वो तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं अमित, कैसे आपने दिखाया कि जो सीमेंट का बेंच है वो तक गिर गया। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठे मिगजॉम तूफान ने तबाही मचानी अब शुरू कर दी है। चेन्नई और आंध्र प्रदेश के कई शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां तेज हवाओं ने लोगों का रास्ता तक यहां पर रोक कर रख दिया है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, समंदर में लहरों ने जोर पकड़ा हुआ है। आप देखिए कैसे अलग अलग इलाकों में चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है और ये कैसे तूफान ने तबाही मचाई है। और लोगों से तट के नजदीक नहीं जाने की अपील की गई है, हिदायत भी लगातार दी जा रही है। आलम अब ये हो चुका है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हो चुके हैं, लेकिन तस्वीरें वहां से ये भी सामने आई है कि घरों के अंदर भी यहां पर पानी भर चुका है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे आंकलन किया जाता है कि तूफान कितनी ज्यादा तबाही मचा सकता है। हवा की रफ्तार से ये पता चलता है कि तूफान कितना खतरनाक है। हवा की रफ्तार अभी जब ये तूफान तट से टकराया तो उस वक्त 111 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही थी, अब ये कम, मध्यम, ज्यादा, बहुत ज्यादा और विनाशकारी ये जो तूफान आते हैं इनकी स्पीड आप देख सकते हैं। यानी कि ये कम को कैसे आंका जाता है, 119 से अगर 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है तो माना जाता है कि उसकी रफ्तार उतनी ज्यादा नहीं होगी, यानी कि इसे कम की श्रेणी में रखा जाता है। 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है तो ये मध्यम की श्रेणी में आएगा। 178 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चल रही है तो फिर वो ज्यादा की श्रेणी में, और बहुत ज्यादा की श्रेणी में होता है 211 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का चल। और विनाशकारी यानी कि सब कुछ तहस नहस, बर्बाद कौन से में होता है ये भी आप देखिए, 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा जब रफ्तार हो जाती है तो फिर विनाशकारी तूफान इसे कहा जाता है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, चेन्नई से ये बड़ी खबर है। मिगजॉम तूफान के बीच चेन्नई एयरपोर्ट को पूरी तरह से अब खोल दिया गया है। एयरपोर्ट पर सारे ऑपरेशन शुरू किए जा चुके हैं। एयरपोर्ट पर पिछले कई दिनों से फ्लाइट को भी लगातार डाइवर्ट किया जा रहा था, उसका कारण था कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।
लगातार तूफान के वजह से बारिश आ रही थी, पानी भर चुका था, लेकिन अब अच्छी खबर वहां से निकलकर सामने आई है कि सब कुछ एक बार फिर से पहले की तरह वहां पर सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चेन्नई एयरपोर्ट पर जहां रनवे तक पर पानी पहुंच चुका था, पूरी तरह से जो वहां पर परिवहन था वो बंद कर दिया गया था, फ्लाइट्स को रोक दिया गया था। अब बड़ी जानकारी यह है कि चेन्नई एयरपोर्ट एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, उड़ाने अब बहुत जल्द वहां पर शुरू हो जाएंगी, सारे ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है, ये तूफान और ज्यादा तबाही मचा सकता है, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन जो तस्वीरें पहले एयरपोर्ट से भयानक तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद राहत की खबर ये है कि अब यहां पर एयरपोर्ट पर सब कुछ यहां पर चलना